तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अगर हम फोन पे का यूपीआई पिन जो है भूल जाते हैं या आप इसे किसी भी कारण से चेंज करना चाहते हैं या हो सकता है जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं कुछ डाल रहा हूँ और ये जो पिन है दोस्तों मुझे पता नहीं है, ठीक है, या हमारा जो है बैंक बैलेंस यहाँ पर चेक किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर दोस्तों अनेबल टू लोडिंग बैलेंस इस तरीके का हमें ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है यूपीआई पिन जो है हम भूल चुके हैं। या दोस्तों हम भूले नहीं हैं, हम इसे चाह रहे हैं कि इसे हम चेंज कर दें क्योंकि अगल बगल कोई दोस्त वगैरह या कोई भी वैसा बंदा है जो आपका पिन को आपका देख चुका है और आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि आपका पिन जो है यहाँ पर अगर आप भूले हुए हैं तो वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो है चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो है आपको यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, हजारों वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों पहले जो सिस्टम था, जो पहले जो तरीका था, वो सारा चीज जो था अलग अलग प्रोसेस से दिखाया जाता था, लेकिन अब जो दोस्तों सारा सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप फोन पे का दोस्तों यूपीआई पिन कैसे दोस्तों रिसेट करेंगे या दोस्तों कैसे आप चेंज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, घंटी को ऑल पे क्लिक करना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है या दोस्तों आप ऐप, अगर आपके पास आईफोन है तो आप यहां पर दोस्तों ऐप स्टोर को ओपन करेंगे और यहां पर दोस्तों आपको सर्च कर देना है फोन पे, और फोन पे दोस्तों सर्च करने के बाद फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है आपको। अगर आपका दोस्तों पहले से ऑलरेडी अपडेट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ओपन बटन में क्लिक करना है। ओपन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं हमारे पास जो है इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। जैसे दोस्तों हमने यहां पर ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ चुका है। अब आने के बाद दोस्तों यहां पर जो इसका चेंज करने का जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कौन कौन सा तरीका है। लेकिन पहला तरीका जो है दोस्तों आप यहां पर जैसे क्लिक करते हैं बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पे, तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप इसका अगर जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अकाउंट है तो इसका हम जो चाह रहे हैं यूपीआई पिन चेंज करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका दोस्तों जो पिन है यहाँ पर जो मुझे याद नहीं है उस पिन को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब डालने के बाद दोस्तों इस तरीके का हमारे पास जो है लोडिंग लेगा और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो इस तरीके का इंटरफेस है हमें निकल के आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अनेबल टू लोडिंग अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेट यूपीआई पिन को हमें ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों को जो है इस तरीके का प्रॉब्लम होता है और वो चाहते हैं इस तरीके का जो है यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं चलिए दूसरा तरीका बताता हूं। आप चाहे दोस्तों यहां से करो चाहे वहां से करो, काम आपका एक ही बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे क्लिक करोगे इंटर योर दोस्तों देख सकते हैं इंटर फोर डिजिट यूपीआई पिन, तो दोस्तों हमारे पास जो है यूपीआई पिन हमें पता ही नहीं था, हम यहां पर क्या करेंगे जस्ट बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे जस्ट आपको पूरा बैक आ जाना होम पेज पर। आने के बाद दोस्तों यहां पर एक प्रोफाइल ऑप्शंस दिखेगा, यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इस प्रोफाइल ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, आपके पास दोस्तों जितना भी बैंक अकाउंट आपने फोन पे के अंदर जोड़ के रखा हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट का जो जिसका आप यहाँ पर यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसी के ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। हालांकि दोस्तों मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर ब्लर किया हुआ है आपने सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा देख सकते हैं रिसेट, और यहां पर चेंज का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, तो यहां पर आपको रिसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली से। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर क्या करना होगा, आपके पास दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आपका अपना एटीएम कार्ड, आप यहां पर दोस्तों आपको अपना जो है यहां पर इस पिन को दोस्तों चेंज करने के लिए बनाने के लिए आपसे यहां पर आपका अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का यहां पर दोस्तों फोर डिजिट आपसे मांगा जा रहा है, सिक्स डिजिट, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लास्ट का यहां पर छह अंक जो है आपके अपने एटीएम कार्ड पर मिल जाएगा। चलिए हम यहां से दोस्तों अपने एटीएम कार्ड को दोस्तों लास्ट वाले यहां पर जो है छह अंक डाल देंगे, उसके बाद दोस्तों डालने के बाद यहां पर मंथ और ईयर डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से मैं फिलअप कर देता हूं। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार का कोई दिक्कत लगेगा नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर डाल देते हैं। अब यहां पर दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से फिलअप कर दिया एंड दोस्तों यहां पर हम प्रोसीड बटन में क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके बैंक की तरफ से दोस्तों एक ओटीपी भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई करने के बाद अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा नीचे जूमआउट करके भी दिखाऊंगा, साक्षी प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एटीएम पिन। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बहुत सारे बैंक में जो है एटीएम पिन पूछा जाता है, बहुत सारे बैंक में दोस्तों एटीएम पिन नहीं पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों पिन हमसे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का पिन यहाँ पर डाल देंगे। आपका दोस्तों हो सकता है ओटीपी से भी काम ले ले, बहुत सारे बैंक में होता है, बहुत सारे बैंक में पिन भी मांगता है। तो यहाँ पर चलिए हम अपना पिन को डाल देते हैं। अब फाइनली दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है सेट फोर डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अपना नया यूपीआई पिन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको डाल देना है। दोबारा में दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है उसी पिन को डाल करके, और आपको जस्ट आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपका यूपीआई पिन जो है सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बन जाएगा। देख सकते यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का जो है हमारे पास यहाँ पर पिन बन चुका है। अब बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, इस बैंक बैलेंस वाला ऑप्शन पे आते हैं होम पेज पर कट करके, और दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है अपना पिन को यहाँ पर अच्छी तरीके से दोस्तों डाल देते हैं। अब डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बैंक बैलेंस जो है यहाँ से दोस्तों चेक हो जाएगा, और हमारा पिन जो है दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ से बन चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। किसी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब जय हिंद, वंदे मातरम।